ट्रेलर रिव्यू करेंगे शुभ मंगल ज्यादा सावधान। प्रेम प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी किसी भी शब्द का इस्तेमाल करें, जहन में लड़का लड़की ही आते हैं क्योंकि हम सदियों से यही देखते आ रहे हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस जरूर हैं और वो जो एक्सेप्शन है वही इस फिल्म का बेस है। जी हाँ, एक्सेप्शंस यानी प्यार भी है, जोड़ी भी है, लेकिन लड़के और लड़की की ना होकर लड़के और लड़के की। इससे पहले कि ट्रेलर पर फोकस करें, एक बात तो माननी पड़ेगी कि आयुष्मान खुराना ने इस तरह की फिल्म के लिए हाँ करके साहस भरा काम तो किया है, लेकिन अब ये तो आने वाले टाइम में ही रियलाइज होगा उन्हें कि इस फिल्म को करने का उन्हें फायदा मिलेगा या नुकसान। कहानी होमोफोबिया पर बेस्ड है, यानी एक लड़के का दूसरे लड़के के लिए फीलिंग्स, जिसे समाज में एक्सेप्ट किया जाना बेहद मुश्किल है। पश्चिमी देशों में तो अब ये एक्सेप्ट किया जाने लगा है, लेकिन भारत में अभी लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। और वैसे भारत देश की अपनी एक संस्कृति है, कल्चर है, जिसमें इस तरह की चीजें फिट नहीं बैठती। बहरहाल पहली बार इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की पहल की है आयुष्मान खुराना ने, जो अक्सर अपने अलग अलग तरह के रोल्स के लिए जाने जाते हैं। बस एक ही चीज है जो उनमें रिपीटेडली देखा जा रहा है, मिडिल क्लास लड़का। यहाँ भी फिल्म में वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक लड़के से प्यार करते हैं। अब उनकी इस प्रेम कहानी से पूरे परिवार में किस तरह से अफरा तफरी मचती है, वो सब कुछ इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर में जीतू दूसरे प्रेमी के तौर पर नजर आते हैं। जीतू ने कोटा फैक्ट्री में जिस तरह से दमदार रोल निभाया था, उससे ये साबित हो गया था कि आने वाले वक्त में बॉलीवुड में उनकी एंट्री निश्चित है। गजराज राव, आयुष्मान खुराना और जीतू की आपस की केमिस्ट्री भी बेमिसाल है। एक तरफ जहां जीतू और गजराज राव एक साथ कई सारी YouTube की वीडियोस में दिखे हैं, वहीं आयुष्मान के साथ भी बधाई हो जैसी फिल्म में उनकी केमिस्ट्री फिट बैठी थी। इन सब के बीच नीना गुप्ता भी धीरे धीरे गजराज राव आयुष्मान खुराना की टीम की मेंबर बनती जा रही है। ट्रेलर में कुछ बेहतरीन कॉमेडी पंचस हंसने को मजबूर करते हैं, वहीं ये कंट्रोवर्शियल प्रेम कहानी सोचने पर भी मजबूर करेगी कि ये कितना सही है और कितना गलत। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस तरह की फिल्मों को ऑडियंस आसानी से स्वीकार कर ले, क्योंकि अभी तक गे लेस्बियन जैसे शब्द खुलकर सोसाइटी पर पकड़ नहीं बना पाए हैं। ऐसे में इस तरह की फिल्म जहां खुल के गे लव स्टोरी को दिखाया गया है, उसे ऑडियंस की कितनी सिंपैथी मिलती है और कितना हेट, ये फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। बेशक ये एक नए तरह का कंटेंट है जिसकी कमी आज बॉलीवुड में है, लेकिन हमेशा से ये भी कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होती है। अगर ये फिल्म एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाई गई है तो उसके लिए फिल्म मेकर्स बधाई के पात्र हैं, लेकिन अगर केवल ये फिल्म पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को सपोर्ट करते हुए पैसा कमाने के उद्देश्य से बनाई गई है तो भी इस पर सवाल या निशान लग सकते हैं। आयुष्मान खुराना ट्रेलर में बेहतरीन लग रहे हैं। चित परिचित तरीके की डायलॉग डिलीवरी होते हुए भी अलग कंटेंट की वजह से वो काफी इफेक्टिव लग रहे हैं। वहीं जीतू को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर फनी बट सीरियस अंदाज में देखना भी लोगों को भा सकता है। जितेंद्र इससे पहले कुछ वेब सीरीज के अलावा गॉन केश नाम की बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके हैं। गॉन केश फिल्म भी बाल उड़ने पर बेस्ड थी। वहीं आयुष्मान खुराना भी बाला नाम की फिल्म कर चुके हैं और वो फिल्म भी बाल उड़ने पर ही बेस्ड थी, तो इस वजह से भी दोनों को कनेक्ट करके देखा जा सकता है। गजराज राव ऑसम एक्टर हैं। जिस प्रकार से एक ठहराव के साथ वो अपने संवाद बोलते हैं, वो निश्चित तौर पर सीन को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। वहीं नीना गुप्ता भी फिल्म में एक अहम रोल में नजर आएंगी और ट्रेलर में उनके भी कुछ फनी सीन्स को ऐड किया गया है। एक चीज तो जरूर कहना चाहूंगा, जिसके लिए आपके नेगेटिव कमेंट्स को भी मैं स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर जिस तरह का रिएक्शंस ना केवल कमेंट सेक्शन में बल्कि जिस तरह से हर कोई वीडियो में या वेबसाइट में इसका गुणगान कर रहा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। लेकिन अक्सर क्रिटिक जो हैं वो पानी के बहाव के साथ चलते हैं ताकि नेगेटिव कमेंट्स से बचे रहें, जो कि गलत है। आपकी अपनी सोच हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन एक फिल्म को लेकर फिल्म क्रिटिक को वही कहना चाहिए जो उसे लगता है। एंटरटेनमेंट के तौर पर आप देखें तो ट्रेलर ज़बरदस्त है। सब कुछ फिल्म में देखने को मिलेगा जो एक मसाला एंटरटेनिंग फिल्म में चाहिए होता है। लेकिन अगर लड़के लड़के प्यार करने लगेंगे, लड़की लड़की से प्यार करने लगेगी, जो कि प्राकृतिक तौर पर गलत है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। लड़का और लड़की को अलग अलग आकार देकर अगर भेजा गया है तो उसके पीछे कारण थे, नहीं तो क्या जरूरत थी अलग अलग शारीरिक आकार देने की, एक जैसा बना देते सबको। लेकिन ऐसा है नहीं, और वो जिसे प्रकृति ने बनाकर भेजा है अगर इंसान उसके विपरीत काम करना शुरू कर दे तो इसका अंजाम आज नहीं
तो आने वाले 50-100 वर्षों में भयंकर हो सकते हैं। आज ये चीज ज्यादा नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे समाज इसे एक्सेप्ट करने लगेगा तब आप सोचिएगा जरूर कि आने वाले समय का मंजर कैसा होगा, जब आपका भाई और आपका दोस्त शादी करके आपके सामने एक ही बेडरूम से बाहर निकलेंगे, वो भी हाथ में हाथ डाले। कैसा लगेगा जब आपकी बेटी शादी के बाद अपनी उसी सहेली की पत्नी की तरह आपसे मिलने आपके घर में आएगी। कैसा लगेगा जब आपका बेटा बहू नहीं दामाद लेकर आएगा और रोज आपको उनको साथ में पति पत्नी की तरह देखना पड़ेगा। एक बार को मान लेते हैं कि आज की जनरेशन इस बात को स्वीकार ले। हो सकता है जब आप किसी लड़के से ही शादी करके आएंगे घर में तो आपका भाई आपकी बहन इसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारे यहाँ भाभी कम जीजा जी आए हैं, लेकिन शायद वो माँ बाप इसे हजम ना कर पाए। मे बी दबाव में उस वक्त वो मान गए हों, लेकिन बाकी की जिंदगी वो घुट घुट कर ही जिएंगे, क्योंकि आपके बचपन से ही उन्होंने आपकी शादी के लिए बहू या दामाद को मन में रखकर सोचा होगा। लड़की है तो उनको दामाद मिलेगा, लड़का है तो घर में बहू आएगी, लेकिन उस उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर जाएगा जब ना दामाद होगा ना बहू। माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए देर सवेर मान ही जाते हैं, लेकिन क्या अपनी बेतुकी खुशी के लिए उनको जीवन भर का दुख देना कितना जायज है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। रही बात LGBT फीलिंग सच्चा प्यार, तो अभी जो लोग इसके शिकार हैं उनको समझाया बुझाया जा सकता है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह या जो भी हो सके उनके लिए किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये संख्या में ज्यादा नहीं है। लेकिन इस तरह की फिल्में कहीं ना कहीं उन लोगों को भी गे और लेस्बियन लव की तरफ आकर्षित तो नहीं करने लगेंगी जो अब तक स्ट्रेट है। हमारे यहाँ लोगों में, खास करके युवाओं में, कुछ तूफानी करने का जुनून होता है। कहीं इसी तूफानी के चक्कर में वो जानबूझकर तो गे और लेस्बियन प्यार को ट्राई करने की कोशिश नहीं करने लगेंगे। फिल्में हमेशा समाज पर प्रभाव डालती है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में आप समाज को किस प्रकार से देखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। केवल पश्चिमी सभ्यता की देखा देखी कहीं हमें हमारी संस्कृति से दूर तो नहीं कर रही। इससे पहले भी हमने एक लड़की को देखा फिल्म के टाइम पर, इसी तरह की बातें आप सबके साथ शेयर की थी, जिसे कुछ लोग एग्री कर गए थे और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई थी। इट्स ओके, लेकिन आप जो हैं वो बने रहिए। केवल दूसरों के देखा देखी अपनी सोच को मत दबाइए, और ये मैं आपके लिए भी कह रहा हूं और फिल्म क्रिटिक्स के लिए भी कह रहा हूं, वरना आप अपना वजूद खो बैठोगे। मुझे पहले भी इस तरह के सब्जेक्ट पर आपत्ति थी, अब भी है। फिल्म के तौर पर देखें तो एक्टिंग अच्छी है, कॉमेडी है, रोना धोना भी होगा, सब कुछ ठीक है, बट सब्जेक्ट कहीं ना कहीं डराता है कि कहीं आने वाला समय भयानक तो नहीं होने वाला। मैं जिन चीजों का पक्षधर हूं अब भी उन्हीं चीजों पर अडिग हूं। ये मेरी सोच है, आपकी सोच अलग हो सकती है। हालांकि जिस तरह के पॉजिटिव रेस्पॉन्स ट्रेलर को मिल रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि इस चीज के पक्ष में लोग हैं, या मे बी कुछ लोगों ने चुप्पी साधना ज्यादा बेहतर समझा होगा। चुप्पी साधने वाले लोग कमेंट करके जरूर बताएं ट्रेलर के बारे में, और जो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी हमें इसको लेकर इसके फायदे जरूर बताएं। तो इंतजार कीजिए फिल्म के रिलीज होने का।